एनआरसी में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया कि भाई इसमें ये वाला फलाना डॉक्यूमेंट लगेगा, इससे प्रूफ होगी आपकी नागरिकता। और सीए जो है वो भारत के किसी मुसलमान से लेना देना नहीं है। ये जो दो बातें हैं, मुझे इतना समझ नहीं आता कि ये बातें समझने के लिए इसमें तकलीफ़ क्या हो रही है। खैर, जो दंगे हुए दिल्ली में, ये साफ तौर पे उन्हीं बुद्धिजीवियों की कारिस्तानी है या उन्हीं बुद्धिजीवियों का इसके पीछे हाथ है जिन्होंने एक पर्टिकुलर यानी मुस्लिम समुदाय में ये एक अफवाह फैलाई कि ये जो सीएए है और जो एनआरसी है, एनआरसी जो वो असम के बता देते थे कभी और वो पूरी नॉलेज उसके अंदर नहीं देते थे, तो जो सीए को लेके, एनआरसी को लेके जो उन्होंने एक झूठी अफवाह जो फैलाई एक मुस्लिम समुदाय में, झूठी अफवाह फैलाने की वजह से उनको ये बताया गया कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। और इवन पढ़े लिखे मुस्लिम जो युवक हैं वो भी उनकी बातों में आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो ज़रा एक बात सोचो कि अगर आप किसी जॉब में जाते हो, तो जॉब जब ज्वाइन करते हो तो इवन आप वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तो चेक करवा आते हो ना कि हाँ मैंने ये कर रखी है या नहीं कर रखी। प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल अगर इसकी बात सोचें कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, यार ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती। हम किसी जगह जाते हैं या फिर हम एक होटल में रूम लेते हैं तो वहाँ पे भी हम अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। वो छोड़ो कि अगर हमें अपने घर में किसी को किराएदार भी रखना होता है तो उसके भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसकी फ़ोटो लेते हैं, उसका पहचान पत्र या आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो तो लेते हैं ना। तो अगर गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कुछ कह दिया तो उसके ऊपर हंगामा, नहीं हंगामा क्या मतलब, दंगे करने की क्या जरूरत थी। कि दिल्ली में जो दंगे हुए इसके पीछे रीज़न और इनके पीछे लोग हैं ये इन जैसे, जो स्टार्टिंग में जब एनआरसी, जब सीए, जो सीएबी जब ये आया था तो इन्होंने वीडियो बना बना के एक पर्टिकुलर जो समुदाय है उसके अंदर ऐसा भय या ऐसा खौफ पैदा करने की कोशिश की कि भाई उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। और जब ये बहुत सब चीज़ें हो जाती हैं और फिर इसके बाद दिल्ली में जो दंगे होते हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें जो है वो पूरी की पूरी बीजेपी का हाथ है, वो बीजेपी ने ही शुरू से किया था, दिल्ली में दंगे क्यों हुए इसमें बीजेपी का हाथ है, तो एक बायस्ड वीडियो बना के कि एक पर्टिकुलर पार्टी को वहाँ दोष दे दो। देखो यार, इनका तो कुछ जाना है नहीं, ये बैठ के आराम से एक कैमरे के पीछे बैठे हैं, तो एक आपको नहीं पता कि उस बंदे के पीछे, जो कैमरे के पीछे जो बैठा है उसका असल में चेहरा क्या है। वो कुछ भी बोल सकता है, वो एक स्क्रिप्ट लिख के बैठा है वहां पे, एक पर्टिकुलर पार्टी को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है वहां पे। फिर भाई साहब पूरी वीडियो में बीजेपी को गाली देते हैं क्योंकि उनको एक मौका मिला हुआ है कि ये वीडियो जो है एक पर्टिकुलर, हाँ, बीजेपी को ही थोप देते हैं। और कमाल की बात है, लोगों ने इसकी बातों पर ट्रस्ट भी कर लिया। एक पीएफआई एक संगठन है जो शाहीन बाग में उसका एक मेन दफ्तर है, ज़रा उसके बारे में ही बात कर लेते हैं, या फिर उसके बारे में बात कर ले जो बीजेपी नेता, जो बीजेपी पार्टी से नहीं थे, जो दूसरी पार्टी के जो नेता थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी वालों ने नहीं दिए थे, या दिए दिए तो सबने ही थे। तो एक बायस्ड वीडियो बनाना, एक अनबायस्ड, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई बैलेंस में रह के बात करो ना यार। और ये इन जैसे एग्जाम्पल देना कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंदिर में छुपाया गया, यार ऐसे एक बढ़ा चढ़ा के बोलना मंदिर में छुपाया गया, जैसे ये ऐसे प्रतीत करना, मतलब बताना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय लोगों को ना तो एंट्री दी जाती है मंदिर में या फिर वो जाना ही पसंद नहीं करते। तो ये बातें मैं एक क्लियर कर दूं, दिल्ली के अक्षरधाम में जाके देख लेना, मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे वह सब चीज़ें देखते हैं, वो घूमते हैं। तो यहाँ पे दो बातें गलत होती है, एक तो ये कि मुस्लिम समुदाय जाना नहीं चाहता, वो जाता भी है, दूसरी ये उसे एंट्री नहीं दी जाती, उसे एंट्री मिलती भी है। तो ये सब चीज़ें वहाँ, तो फिर ये सब चीज़ें बोलना कि मुस्लिम समुदाय को मंदिर में छुपाया गया, तो एक बढ़ा चढ़ा के यार कितनी, कोई बड़ी बिग डील नहीं है कि भाई हाँ ऐसे दिखाया जाए कि मंदिर में छुपा दिया। ये सब चीज़ें इन लोगों की एक पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा है जो इनको फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अगर इन जैसों का मकसद होता कि शांति वापस स्थापित करें, मतलब भाईचारा फिर से बनाएं, तो यार एक चीज़ देखो,
कोई भी अगर कोई सिंपल सा इंसान आप जैसा मुझ जैसा अगर बैठ के शांति की अपील करता है, देश को एक करने की बात करता है, तो उसके लिए ये नहीं कहता कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मुझे patreon.com पे आप सपोर्ट करो। ऐसा कुछ नहीं होता यार, कि मैं वो एटलीस्ट अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपने देश के लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए पैसे नहीं चाहिए होते। तो लास्ट में आके वो भीख मांगना, तो इससे ये चीज़ें जाहिर होती हैं कि भैया इस इंसान के लिए शांति, एकता, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। उसके के लिए वो मायने ये रखता है कि उसके पैसे उसको मिल रहे हैं टाइम पे। अपनी वीडियो में इसने बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई दिल्ली पुलिस की, तो एक जरा चीज सोचना है इस चीज के ऊपर। ना तो आप वहां थे, ना तो ये वहां था, ठीक है। एक वो किस एंगल से वीडियो को शूट किया गया किसी को कुछ नहीं पता, तो आंख बंद करके उस पे यकीन करने से पहले जरा सोच लें कि क्या वो एक जो एक इंसान एक साइड एक बायस्ड जर्नलिज्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर पार्टी को ही टारगेट करने पे लगा हुआ, एक पॉलिटिकल मैथ एक जो माइंडसेट लेके बैठा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ रुपयों के लिए वहां पे काम कर रहा है, तो वो क्या वो सच दिखाएगा? ये जरा सोच समझ के उसकी बातों पर यकीन करना। इसने कहा कि हर अखबार में हर न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ अंकित शर्मा का ही नाम आ रहा है, कि वही एक जो है वही मरा है और बाकी तो मरा है नहीं। तो ये सब चीज़ें देखो यार, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैं तो वही पढ़ता हूँ, उस न्यूज़पेपर में एक दिन सिर्फ और सिर्फ अंकित शर्मा के बारे में आया था। आईबी ऑफिसर थे तो उनके बारे में बाद में फ्रंट पेज पे आया था कि भाई उनको बहुत बेरहमी से मारा गया। बाद में उनके अलावा जो और समुदाय के लोग थे, जो ये चाहता था मुस्लिम समुदाय, उन मुस्लिम समुदाय के लोग जिन जिन की भी जान गई वो भी आई हुई थी। तो ये मत सोचो कि एक ही साइड का दिखाया जा रहा है, ये नहीं दिखाया जा रहा, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि भाई हाँ सिर्फ और सिर्फ एक साइड का दिखा रहा है और लोग यकीन कर रहे हैं। तो अब मैं क्या वीडियो बनाऊँ और उसमें चिल्लाने लग जाऊँ, ओ तुम तो यार अंकित शर्मा के बारे में दिखा ही नहीं रहे यार, उन्होंने दिखा दिया, मैंने पढ़ लिया। और दो अखबार अगर आप किसी को और ही ज़्यादा जानकारी लेनी होती है तो दो दो अखबार पढ़ने लग जाओ। आजकल इंसान वैसे देखा जाए तो इतना आलसी हो गया है कि उसे कोई अखबार पढ़ के सुनाए ना तब वो यकीन, और उस अखबार पढ़ने वाले इंसान ही उसको गलत बता देते हैं। तो यार खुद तो एफर्ट उठाओ, खुद तो फैक्ट चेक करने की कोशिश रखो। एक वीडियो में सामने जो वीडियो बनाने वाला बैठा है वो आप कैसे क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं। कि वो अंदर से कैसा है, उसे कौन क्या कह रहा है, वो क्या किस वे से दिखाने की कोशिश कर रहा है देश को एक करने की, या शांति स्थापित करने की, या क्या चीज़ करने की वो कोशिश कर रहा है, कोई नहीं जानता। तो खुद अपने लेवल पे वो चीज़ें चेक करो यार। तो अभी भी टाइम है, पहचानो इन लोगों को, वरना ये इन जैसे लोग हमारे जो ये प्यारा सा देश है जिसमें इतनी सुंदर डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर के लोग, थोड़ी सी दूर जाओ तो आपको एक लैंग्वेज चेंज मिलती है, या इतने इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उस प्यारे देश में, इन जैसे लोग कहीं ना कहीं फूट डाल देंगे। और अब बहुत सारे ये सोचें कि फूट डाल क्या देंगे, फूट डल भी गया। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लड़ाई जो होती है वो घर में ही होती है, इतना कच्चा रिश्ता भी नहीं है कि कोई आए और फूट डाल के चला जाए।